इसी कोरपट के रस से आपके शरीर का अंदर के कई रोग ठीक होते हैं। जैसे आपको अल्सर है, अल्सर आप समझते हैं पेट में घाव हो गया, अल्सर है या पेप्टिक अल्सर है, इसको ठीक करने की ताकत कोरपट के रस में है। तो जो अल्सर के पेशेंट हैं, जिनको अल्सराइटिस है, वो भी इस कोरपट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक कोरपट मैंने इसका उपयोग करके देखा है, कम से कम 53 बीमारियों में, 53 डिसीज में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट। इसलिए आप अपने स्वयं पाक घर के नजदीक में एक गमले में जरूर इस कोरपट को लगा के रखिए, ये बहुत काम आता है। और एक आखिरी बीमारी इसकी और बता देता हूं, बच्चों से लेकर बड़ों तक कान में कभी भी दर्द हो जाए, कितना भी तेज दर्द हो कान में, आप कोरपट के रस की एक थेम डाल दीजिए कान में, 5 मिनट में ही दर्द बंद कर देगा। 5 ही मिनट लगते हैं दर्द बंद हो। कई बार आपने देखा है बच्चों और बड़ों को एक बीमारी होती है, कान में से लस निकलती है, उस बीमारी में भी कोरपट का एक थेम कान में डाल दीजिए, 3-4 दिन सतत डालेंगे लस निकलना बंद होता है। इसी कोरपट का और कई जगह उपयोग होता है। आपके मुंह से बहुत बास आती है, सुबह उठते ही आपको ऐसा लगता है कि मुंह से बदबू आ रही है, आप कोरपट के रस को मुंह में मालिश करिए, मुंह से मतलब मसूड़ों पे मालिश करिए, उसके बाद कुल्ली कर लीजिए तो मुंह से बास आना बंद करा देगा। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है, पायरिया नाम का रोग, अक्सर हमारे दांतों से खून आता है, मसूड़ों से खून आता है, तो कोरपट के रस को हल्के हल्के मालिश करिए, 3-4 दिन के अंदर ही पायरिया को ठीक करने की शक्ति इसमें है, अद्भुत है ये कोरपट। और ये कोरपट सौभाग्य या दुर्भाग्य सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। अगर इस कोरपट का कोई बिजनेस करे तो एक ही साल में कोटिपति हो सकता है।